कितने बच्चों का इंतजाम हुआ है? हुजूर, 100 बच्चे अगवा करके लाए, 20-25 यहाँ आए और बाकी के अंदर कमरे और तहखाने में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। जिन बच्चों को लेकर यहां से दूर अरबस्तान तक जहाज चला जाएगा, तो इनको खरीदने वालों को ऐसा मुनाफा मिले कि उसकी तबीयत खुश हो जाए, तबीयत खुश हो जाए। हुजूर, मियां करीम खान हमारे व्यापारी भाई बहुत खुश होंगे। करीम खान की खुशी तो हम चाहते हैं, लेकिन हम भी खुश होना चाहते हैं। अरे सरदार, माल तो देखो कितना प्यारा माल है, जैसे मुल्तानी मिट्टी, जहां चाहे ढाल लो, गुलाम बनाओ, कमीज बनाओ, चाहो तो जनान खाने में सेवक बना लो। पूर्ण एपिसोड पहा Z5 पर। माय बहिणींना कुणी हात लावणार नाही, कुणी बघणार नाही त्यांच्याकडे। आपको कुछ नहीं होगा। Come on.
अतनीच काय दम नाही. हुजूर नाही चाहिए, ले जा. हम कौन है सूरमा बब्बर खान जिसके शौरत चारों तरफ फैली हुई है. ओ बब्बर खान आज जंग के मैदान से भागा. लेकिन हुजूर ताज्जुब की बात तो यह है कि संभा की फौज की तादाद बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी फौज कम हो या ज्यादा संभा को कोई फर्क नहीं पड़ता. संभा अपने आप में एक ताकतवर फौज है. जी अब क्या हुक्म है हुजूर? हमला बोल देंगे पर सोए हुए शेर पर. लेकिन ये शेर कोई सोने वाला शेर नहीं हुजूर. तो हम अगवा के बच्चे जहाज तक कैसे पहुंचाएंगे? बड़ी मुसीबत आ जाएगी. एक तरफ संभा, एक तरफ मियां करीम खान, हमारा नुकसान होगा. संभा को पकाना होगा. जी हुजूर. दूसरी फौज भेजो, हमला करो संभा पर, हैरान करो ताकि वो चला जाए. जो हुक्म हुजूर. कहाँ है संभा? भाग गया. भाग गया? अतनी वालों, हमारे बब्बर खान जब तक आपके साथ है तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा. हुजूर हुजूर आपके हुक्म बराबर अपनी फौज जहां पहुंची. और क्या हुआ? संभा कायर और भगोड़ा निकला. क्या पकते हो? जी हुजूर. भाग गया वो मैदान छोड़कर. कोई भी नहीं था अथनी में. नहीं ये नहीं हो सकता. वो तो हुजूर आपकी ताकत देखकर और मैदान में सैलाब सी लहराती फौज देखकर संभा 9-2-11 हो गया. नहीं ये नहीं हो सकता. तुम इन मराठों को नहीं जानते. बड़े शातिर और चालबाज है ये लोग. के भागने में भी कोई चाल होगी. मुझे कोई साजिश नजर आती है. संभा वापस आएगा, जरूर आएगा हमला करने. मगर अब की बार संभा आया तो ऐसी हालत बनाएंगे उसकी कि अतनी की ओर आंख उठाकर देखने के होश न बाकी रहेंगे. त्या बब्बर खानला आल्या आल्या चांगला शेकला आपल्या फौजे. त्याच्या ध्यानी मनी भी नव्हतं की असं काही घडल म्हणून. चिंगाट पळाला बब्बर खान. पण आता तो स्वस्थ बसणार नाही. दिवसला गेलाय. तो संधी शोधणार आपल्या फौजेला अडचणीत आणण्याची. जी धनी. बब्बर खान आपल्या फौजेवर हल्ला करणार. पण केला तर कसा करेल? ही अतनी, ही बब्बर खानाची गढी, हे गाव आणि ही बाजारपेठ. गढीपासून गावाचं अंतर आहे 2 हकांचं. आता मुद्दा असा आहे की बब्बर खानाला पुरतं ठाऊक आहे आपण पुन्हा अतनीवर आक्रमण करणार. कारण व्यापारी पेठ अजून बाकी आहे. त्यामुळे बब्बर खान रात्रीच आपली फौज आणून इथं पेठेत ठेवणार. फौज दबा धरून बसलेली असेल आपल्या हल्ल्याची वाट बघत, प्रतिहल्ला करण्यासाठी. पण त्याला कसं करणार? उद्या आपण आक्रमण करणार आहे ते आपल्या हुलस्वर कळवतील. आणि शिवाय पेठेतही तेच वातावरण आहे. आपण पुन्हा हल्ला करणार म्हणून पण सकाळी. त्यामुळे बब्बर खान रात्रीच आपली फौज आणून बाजारपेठेत ठेवेल. आपली 1000 फौज पेठेवर पाठवा, पण हल्ला करायचा नाही. अर्धी फौज पेठेच्या एका बाजूला आणि अर्धी फौज पेठेच्या दुसऱ्या तोंडात. बब्बर खानाच्या फौजेची पेठेतच कोंडी करायची. पूर्ण एपिसोड पहा Z5 Live.